राम राम, जय छत्तीसगढ़। आप सभी मोरसत से साक्षात्कार चैनल के दर्शक मन के मोर यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत हवा है। आज हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख इलाका जेमा बड़ा प्रभावशाली इलाका बन चुके हैं, रायपुर राजधानी से भी ज्यादा बड़े, जिस इलाका से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आते हैं, जिस इलाके से गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी आते हैं, जिस इलाके से भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेत्री सुश्री सरोज पांडे जी आती हैं, जिस इलाके से भारतीय जनता पार्टी में थिंक टैंक मानने वाले प्रभावशाली नेता प्रेम प्रकाश पांडे जी आते हैं, आज हम ऐसे दुर्ग जिला का आपके सामने विशेषण लेकर आएंगे। और याद रखिए, इसी जिले में रुद्र कुमार गुरु जी भी आते हैं, जो अभी वर्तमान में पीएचई मंत्री है छत्तीसगढ़ सरकार में। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस दुर्ग जिला की महत्वपूर्ण सीट दुर्ग शहर से। देखिए, दुर्ग शहर में वर्तमान में आपके विधायक हैं अरुण वोरा जी। अरुण वोरा जी कौन? स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी के सुपुत्र। स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर, सांसद से लेकर, विधायक से लेकर कई सालों तक हिंदुस्तान की कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रहे, श्रीमती सोनिया गांधी जी के करीबी रहे, उनके सुपुत्र हैं अरुण वोरा जी, जो लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। अभी वो महापौर को हराए थे प्रतिमा चंद्राकर जी को भाजपा से, इसके पहले दुर्ग के कद्दावर नेता हेमचंद यादव जी को चुनाव हराए थे इसके पहले, उनकी टिकट तय है लगभग। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की कुछ ऐसी सीटें हैं जिनका फैसला सीधा सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी करेंगे, जिसमें अरुण वोरा जी हैं, जिसमें आपके अमितेश शुक्ला जी हैं, टीएस बाबा जी हैं, भूपेश बघेल जी हैं, ताम्रध्वज साहू जी हैं, चरणदास मान जी हैं, आपके शैलेश पांडे जी हैं, ऐसे कई नाम हैं, आप रविन चौबे जी हैं, कई ऐसे नाम हैं, ये सब कद्दावर नेता है जिनका टिकट का फैसला दिल्ली से होगा। लेकिन अब मान के चलिए अरुण वोरा जी यहाँ पे पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी लोग टिकट मांग रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूं, उसमें एक प्रमुख नाम है राजेंद्र साहू जी। ये राजेंद्र साहू जी कौन? स्वाभिमान मंच के साथ ताराचंद साहू जी के साथ ये गए थे, उस समय बड़े युवा नेता थे, जागरूक थे, दबंग थे और महापौर का चुनाव लड़े थे, याद रखिए, बहुत टक्कर दिए थे, जबरदस्त टक्कर, कुछ और से हार गए चुनाव। अभी वो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के बड़े करीबी हैं, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं, और आपको मैं बता दूं पाटन के प्रभारी हैं, मतलब महामंत्री हैं, संगठन में बड़े पद में हैं, बड़े करीबी हैं किनके? आपके भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के। वो भी दुर्ग से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। अगर वो नहीं लड़े, अरुण वोरा जी ही लड़े, तो याद रखिए दुर्ग लोकसभा का अगली कैंडिडेट ये आपके राजेंद्र साहू जी हो सकते हैं दुर्ग लोकसभा के कांग्रेस के कैंडिडेट। अब अगर और एक तीसरा नाम आपको मैं बता रहा हूं, एक मोचन प्रसाद तिवारी जी हुआ करते हैं, बड़े कांग्रेसी, वरिष्ठ कांग्रेसी, उनके सुपुत्र हैं, बहुत बड़ा नाम है, वकील, बहुत बड़े वकील आशीष तिवारी जी, युवा नेता है भूपेश बघेल के, ये भी करीबी है, ये भी दुर्ग से टिकट मांग रहे हैं। अगर किसी कारण से हो सकता है कि कहीं कोई पॉलिटिकल इक्वेशन कहीं पे कुछ जमता हो, तो आशीष तिवारी भी एक प्रमुख दावेदार है। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में ये तीन नाम है, भारतीय जनता पार्टी में कौन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में उनके कद्दावर नेता हेमचंद यादव जी के स्वर्गवास होने के बाद और राष्ट्रीय राजनीति में सरोज पांडे जी के जाने के बाद दुर्ग शहर में यह हो गया कि दो बार से अरुण वोरा जी चुनाव जीत रहे। देखिए, सरोज पांडे जी के नाम से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है, ये विधायक भी थी, सांसद भी थी, महापौर भी थी,
तो क्या सरोज पांडे जी को दुख से लड़ा सकते हैं क्या? देखिए वो विधायक थी वैशाली नगर से, ध्यान रखना, लेकिन महापौर तो दुख से थी वो। तो क्या स्टफ सीट को छीनने के लिए, अपने कब्जे में वापस लेने के लिए सरोज पांडे जी को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा सकती क्या? ये देखने वाली बात है। लेकिन अब याद रखिए, आपके हेमचंद यादव जी के, स्वर्गीय हेमचंद यादव जी के पुत्र जीत यादव जी भी टिकट मांग रहे हैं, बड़ा सीरियस है। लेकिन अब देखते हैं, मोदी जी का एक रहता है कि हम परिवारवाद नहीं चलने देंगे। और आपको एक नाम बता दूं, बड़ा होशियार, बड़ा प्रभावशाली व्यक्तित्व, जितेंद्र वर्मा जी, जो पहले संगठन में थे, काम करते थे, पाटन क्षेत्र के रहने वाले, पाटन से पिछड़ा टिकट मांगे थे लेकिन नहीं मिल पाया। तो जितेंद्र वर्मा को क्या इस बार टिकट दे सकती भारतीय जनता पार्टी? आप देखिए क्या हो सकता है। या हो सकता है कि सरोज पांडे जी अपने भाई राकेश पांडे जी को लड़ा दे, उनका भी बड़ा नाम है सक्रिय भाजपा में। अब ये हो गई दुर्ग की। अब दुर्ग ग्रामीण देखिए, आप दुर्ग ग्रामीण में आपके प्रभावशाली नेता कांग्रेस के ताम्रध्वज साहूदी, वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। किसके कारण? भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की जोड़ी के कारण। जब मुख्यमंत्री का हल्ला हुआ कि ताम्रध्वज साहू जी मुख्यमंत्री डिक्लेयर हो गए, दोनों ने आपत्ति किया कि जब मेहनत हम किए हैं तो मलाई ताम्रध्वज साहू जी कैसे खाएंगे, उन्होंने रोका इस्लाम को, ऐसी चर्चा देखिए आप। तो गृह मंत्री बनाए गए दुर्ग ग्रामीण से, लेकिन क्या वो वाकई में लड़ना चाहते हैं दुर्ग ग्रामीण? क्योंकि ध्यान रखिए बेमित्रा से भी विधायक रह चुके हैं, और मेरे पास एक खबर है कि वो वापस बेमित्रा जाना चाहते हैं। और आपको बता दूं, अभी कल परसों का डेवलपमेंट, उनको सीडब्ल्यूसी में लिया गया है, सबसे बड़ी कमेटी कांग्रेस कमेटी की। ये सीट बदलना चाहते थे, लेकिन फिर एक अड़ंग आ गया, जो गांधी परिवार के सबसे विश्वसनीय संगठन के महामंत्री वेणुगोपाल जी अभी आए थे रायपुर, उन्होंने फैसला किया कि हम किसी का टिकट नहीं बदलने देंगे। तो क्या ताम्रध्वज साहू जी दुर्ग ग्रामीण फिर से लड़ेंगे? देखते जाइए क्या होता है। बड़ा कठिन है कहना, वो अपने बेटे को भी उतारना चाहते हैं राजनीति में, जितेंद्र साहू जी को, वो भी सक्रिय है, लेकिन मेरे को लगता है कि दुर्ग ग्रामीण इस बार उनके लिए आसान नहीं है, कठिन है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहां से आपके बंटी हरमुख जी भी प्रबल दावेदार हैं, आयोग के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, युवा नेता हैं, ये भी प्रमुख दावेदार हैं। तो जितेंद्र साहू जी, ताम्रध्वज जी के बेटे खुद ताम्रध्वज साहू जी और बंटी हरमुख जी, या कोई और नाम, वक्त बताएगा। बीजेपी से कौन? रामशीला साहू, पूर्व मंत्री, सौम्य स्वभाव, लोकप्रिय नेता, व्यवहार कुशल, उनके पति भी बड़े नेता दयाराम साहू जी, जो भाजपा में एक समय उपाध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी में, वो भी। लेकिन रामशीला साहू का दावा ज्यादा मजबूत है, आपको मैं बता रहा हूं। तो रामशीला साहू वर्सेस ताम्रध्वज साहू, या बंटी हरमुख वर्सेस दयाराम साहू, या रामशीला साहू? ललित चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता, युवा मोर्चा से राजनीति कर रहा है, क्या वो भी एक दावेदार है? आप देखिए दुर्ग ग्रामीण में बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है, अचानक कोई नाम भी आ सकता है, मैं ये भी आपको बता रहा हूं। अब आइए आप बीजेपी का गढ़ वैशाली नगर। वैशाली नगर में बड़ा दुखद हुआ, अभी कुछ समय पहले, 6 महीना पहले, जो पूरे दुर्ग संभाग की एकलौती भाजपा की सीट थी वैशाली नगर, बीजेपी का गढ़ है, विद्या रतन भसीन जी स्वर्गीय, अभी 6 महीना पहले अचानक उनका देहांत हुआ, मन को श्रद्धांजलि देता हूं। अब उनके बदले कौन? क्या सरोज पांडे फिर वापस, जो यहां की विधायक नहीं वो लड़ेंगी? ये सब दिल्ली का अमित शाह जी, नड्डा जी, ओम माथुर जी, नवीन नितिन जी ये तय करेंगे कि सरोज पांडे को अभी स्टेट पॉलिटिक्स में लाना है कि चुनाव के बाद लाना है, ये देखते हैं। तो कौन? राकेश पांडे जी, फिर सरोज पांडे जी के भाई, वो एक प्रबल दावेदार है। आपको बता दूं, यहां 5 बार के पार्षद हैं रिकेश सेन जी, लगातार चुनाव जीत रहे हैं, वो भी एक प्रबल दावेदार है, आपको मैं बता देता हूं। इसके अलावा आपको मैं रामू कर तिवारी जी, एक बड़ा नाम, वो भी एक दावेदार है।
अभी आपको एक डेवलपमेंट बता रहा हूं मैं, एक बड़ी उद्योगपति की पत्नी केतन शाह जी की वाइफ शायद संगीता शाह, वो भारतीय जनता पार्टी में आई है, इसी इलाके की उनका प्रभाव है, सोशल नेटवर्क है उनका, वो भी यहीं से टिकट मांग रही है। कौन? संगीता शाह जी। आपके जो जिला अध्यक्ष है भिलाई के ब्रजेश बिचपुरिया जी, क्या वो भी अंदर ही अंदर चाहते हैं? अब ये देखना, बड़ा लंबा नाम है, लेकिन ध्यान रखिए आप, इस सीट पे प्रेम, इस इलाके में सरोज पांडे और प्रेम प्रकाश पांडे जी, दो बड़ा नाम, इनको पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। इनके राय को, यही जो राय देंगे उसके हिसाब से पार्टी आगे की अपनी रणनीति बनाएगी। ये तो हुई बीजेपी की बात। अब कांग्रेस में देखिए आप, कांग्रेस के लिए बड़ी कठिन सीट है ये वैशाली नगर, बड़ा मुश्किल होता है इसको जीतने में। पिछले चुनाव में मेरे को याद नहीं कि कांग्रेस यहां से जीती है, लेकिन फिर भी यहां पे दावेदारों की लंबी लिस्ट है। वहां के जिलाध्यक्ष नीरज चंद्राकर जी वो टिकट मांग रहे हैं, बड़ी दमदारी से मांग रहे हैं वैशाली नगर से टिकट। आपको मैं बता रहा हूं, एक अभी विवाद हुआ था, चंद्रशेखर शुक्ला जी महामंत्री से हटा के अरुण सिसोदिया जी को बनाए, वो भी वैशाली नगर से आपके टिकट मांग रहे हैं। एक यूथ कांग्रेस का एक बड़ा नेता है दुर्गेश ताम्रकार जी, बड़ा सक्रिय नेता, युवा नेता है, वो एक प्रबल दावेदार है। और एक क्रेडा का, क्रेडा आयोग, क्रेडा में एक जो एक सदस्य है विजय साहू जी, वो भी एक प्रबल दावेदार है। इस प्रकार से लंबी लिस्ट है वैशाली नगर में, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी की फेवरेबल की सीट है ये, अब मान के चलिए। कौन? वैशाली नगर। अब आती है पाटन, मैं पाटन के बारे में बताऊंगा, ध्यान रखना, पाटन के बारे में मैं अलग से एक विशेषण लेके आऊंगा, क्योंकि उसको इस जिले में उस सीट को समेटना मेरे को लगता है ये न्याय संगत नहीं है। तो अब एक सुरक्षित सीट आती है आपका अहिरवाड़ा। अहिरवाड़ा में ताबड़तोड़ दमदार मंत्री है रुद्र कुमार गुरु जी, जो विजय गुरु के सुपुत्र हैं, आपके परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज हैं, पीएचई मंत्री हैं, वो यहाँ के विधायक और मंत्री हैं। सुनने में आ रहा था कि वो यहां से नहीं लड़ना चाहते, वो उनका ध्यान नवागढ़ में है और उनका ध्यान मुंगेली में, मुंगेली में काफी सक्रिय भी है ऐसा बताया जाता है। लेकिन फिर वेणुगोपाल जी का एक बयान कि किसी को हम सीट बदलने नहीं देंगे, या तो वो लड़ेंगे या तो छोड़ेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहां भी दावेदार हैं, आपको बता दूंगा, कांग्रेस से महापौर कोसरे जी, शायद निर्मल कोसरे जी जो महापौर भिलाई के, प्रबल दावेदार हैं, लोकप्रिय हैं। एक नाम आपको और मैं बता रहा हूं, डेरेश्वर बंजारे वकील, ये 10 साल ब्लॉक अध्यक्ष रहे कांग्रेस कमेटी सुपेला के, वरिष्ठ वकील हैं, अभी वर्तमान में कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, इसके पहले महामंत्री थे, नोटरी भी हैं, बहुत ही सरल सौम्य चेहरा, सीधे सरल, प्रबल दावेदार। क्या कांग्रेस पार्टी डेरेश्वर बंजारे के ऊपर दांव खेल सकती, जो वरिष्ठ वकील है दुर्ग कोर्ट में, नामा नाम, बड़ा नाम है इनका, बड़े करीबी ये भी भूपेश बघेल जी के। अब ये देखते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी किन शर्तों पे, किस आधार पे, क्या हाईकमान की बात मानती है कि नहीं मानती है। लेकिन कुल मिला के आपको मैं बता दूं कि अगर दुर्ग की मैं पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर और वैशाली नगर और हिंदवाड़ा, 5 सीट में एक सीट में भाजपा है, ये तो नहीं होने वाला। यहां पे भी भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला में गेन करेगी, आप देख लेना, मेरे इस विशेषण को आप सेव करके रखना, और जोरदार लड़ाई लड़ेगी, कम बैक आएगी बीजेपी, क्योंकि आप मान के चलिए इतनी अच्छी रणनीति बन रही है। विजय बघेल को जो उतारा गया दुर्ग में, ये कोई छोटा मोटा घटनाक्रम नहीं है, वो भी 2.5-3 महीना पहले। आप मान के चलिए कि ये मजेदार चुनाव होना है। दुर्ग का एरिया ये भी लघु भारत है, भिलाई स्टील प्लांट जिसको पूरी दुनिया में जाना जाता है, रूस के सहयोग से बना, पंडित रविशंकर शुक्ल की देन, ध्यान रखिए आप, ये जो भिलाई स्टील प्लांट है इसको पंडित नेहरू जी चंद्रपुर ले जाना चाहते थे महाराष्ट्र, पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने दिल्ली में धरना दिया, आंदोलन किया और बोला कि अगर मेरे छत्तीसगढ़ के साथ अहित होगा तो मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। ये थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जिनकी मूर्ति लगी है सेंट्रल एवेन्यू का नाम पंडित रविशंकर शुक्ला जी के नाम से है, और आज हजारों लाखों छत्तीसगढ़ियों को रोजगार ये भिलाई स्टील प्लांट दे रहा है। तो इस इस्पात नगरी की आप विशेषण को
याद रखिएगा, सटीक विश्लेषण आपको दिया हूं, लेकिन बीजेपी आप फायदे में रहेगी, आप देखते जाइएगा, मजेदार चुनाव होगा। मेरा आपको विश्लेषण कैसा लगा मेरे को जरूर कमेंट्स करके बताइए, कुछ गलती हो तो उसको भी बताइए, अच्छा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल सबसे साक्षात्कार को जरूर आप जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब करिए। मैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी को, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा प्लांट दिया, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों को, हजारों लाखों छत्तीसगढ़ियों को रोजगार उपलब्ध कराया, उस क्षेत्र को संपन्न बनाया, ऐसे पंडित रविशंकर शुक्ल जो छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ को जो स्वरूप दिए, अब लोकसभा का भाषण सुनना आडवाणी जी, गृह मंत्री जी का, उन्होंने अगर छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का, अगर बनने का जो स्वरूप था उसको एकमात्र श्रेय दिया था तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी को दिया था। उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।